हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। अभी हम मुंबई जा रहे हैं ड्रोन ख़रीदने के लिए। जो फोर्ट्स वगैरह हम शूट करते हैं तो पूरा लैंडस्केप में नहीं आता है, तो ड्रोन से वो अभी सीधा पूरा जो फोर्ट है वो उसमें दिखेगा। इसलिए अभी हम ड्रोन ख़रीदने जा रहे हैं। लेकिन इंडिया में ड्रोन इलीगल है, मतलब जैसे हम गन्स इंडिया में इलीगल है, मतलब हम घर पे नहीं रख सकते, वैसे ही ड्रोन भी घर पे नहीं रख सकते या कोई बेच भी नहीं सकता। मतलब अभी लीगली कोई भी या डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है ड्रोन का। तो अभी हम मुंबई जा रहे हैं, वहाँ शायद हमें सस्ते में अच्छे प्राइस में कोई ड्रोन मिले, तो अभी चलो देखते हैं। थोड़ा रेस्ट लिया, चाय वगैरह। अब यहाँ से सीधा CST और वहाँ पे ड्रोन कैमरे के बारे में इंफॉर्मेशन करेंगे कलेक्ट, और नेक्स्ट प्रोसेस वहाँ पे होगा। CST से थोड़ा आगे आ चुके हैं। वहाँ पे रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक के सामने ये लाइब्रेरी है, ये 1804 में इस्टेब्लिश हुई है। इसके बाद अभी हमने सबको पूछा, यहाँ पे गाड़ी लगाई है, यहाँ से हम 20 मिनट लगेगी ऐसे चल के जाने के लिए। पहले हम खाऊ गली में जाएंगे, कुछ खाएंगे, उसके बाद वहाँ से 5 मिनट की दूरी पे ये मिलेगा, जो कैमरा गली है वहाँ पे जाने के लिए टर्न मिलेगा। चलो, कैमरा गली में आ चुके हैं। अभी अभी ये जो पूरा दिख रहा है, ये पूरी लाइन ऐसे पूरे सब कैमराज की दुकान है, जो शॉप्स है कैमरा के। उसके बाद अभी हम उनको जाके पूछते हैं, उस टाइम हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि ड्रोन बेचना ही इलीगल है, तो हमको कुछ बताएंगे नहीं या फिर ड्रोन नहीं है ऐसा बोल देंगे। ठीक है, अभी हम कैमरा गली में आ चुके हैं। एक्चुअली हम कार लेके आए, इसलिए हमने कार वहाँ पार्क की है। तो यहाँ CST स्टेशन है, यहाँ से हम अपन चल के भी यहाँ से आ सकते हैं हम। तो यहाँ पे कैमरा गली, अभी अंदर का शूट तो हम अभी नहीं ले सकते, लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है ड्रोन का। अभी हमने ड्रोन तो हमें मिल गया है, लेकिन हम अभी 360 कैमरा ढूंढ रहे हैं, जो हमें एक्चुअली वो भी चाहिए था। हम एक्चुअली दो कैमरा लेने के लिए आए हैं। हमने एक्चुअली ड्रोन तो खरीद लिया है 1 घंटे पहले ही, तो
हमने उसके बाद खाना भी खाया और हम 360 कैमरा लेने के लिए गए थे, लेकिन उसकी क्वालिटी के इशू कुछ हमारे सेंट्रल रेलवे ऑफिस जाएंगे। हेलो दोस्तों, अभी 6 बज चुके हैं और हमने ड्रोन करीब 2 बजे खरीद लिया था। उसके बाद हमने खाना खाया और यहाँ मनीष मार्केट में चले गए थे। तो मनीष मार्केट में हमने बहुत सारी शॉपिंग की है। एक तो ये रेबन का कॉपी गॉगल, ये वीआर बॉक्स जो कि हमको अच्छी डील में मिला। ये भी क्या प्राइस इसका? 200 में मिला ये बस। और क्या है, ये हमने एक टूल गेज भी लिया, शायद उठाया था हमने ये 100 रुपीज़ ये उठाया था हमने ये उठाया था हमने भैया जी बहुत मदद किए भैया जी। और ये हमने एक कार चार्जर खरीदा, एक आईफोन का चार्जर और एक हेडफोन। ये 50 रुपीज़ हेडफोन, बस 50 रुपये में अच्छी क्वालिटी की आ जाती है मनीष मार्केट में। और ये किधर है, कार चार्जर भी 50 रुपीज़ का। इतना सारा शॉपिंग हमने आज तक कभी भी नहीं किया था, मतलब मोबाइल एक्सेसरीज ये वो कभी भी इतना नहीं किया था। कवर भी लिया और ये वंस अगेन हमने फिर से कवर लिया 150 रुपये का। उसके बाद हमारे ये साहब को कवर पसंद नहीं आया इसलिए इन्होंने लिया नहीं। बताने का ये कि इतना एक्सेसरीज मोबाइल का, बस हमें 360 कैमरा नहीं मिला जो हम लेने के लिए आए थे। मिला था लेकिन लिया नहीं, उसका क्वालिटी का थोड़ा सा इशू था इसलिए। ये बताने का ये कि अभी ये सब एक साइड पे है और ड्रोन एक्टिवेट होना एक साइड पे, दिमाग में है एक्सेसरीज लिया वो लिया XYZ ब्ला ब्ला ब्ला। सबसे बड़ी अचीवमेंट तो ड्रोन ही है, ड्रोन ही है वो, बस वही चल रहा है। एयरफोन चैन वो वीआर, अभी आप देख रहे होंगे कि पीछे कितना भीड़ है। इस भीड़ में तो हम वो एक्टिवेट ही नहीं कर सकते ड्रोन, तो हम सिर्फ एक जगह ढूंढ रहे हैं वहाँ पे हम ड्रोन एक्टिवेट कर सकते। अभी 6 बजे है, 6 बजे है। उसके बाद अभी हम चाय वगैरह पेंगे और कहीं जो अगर खाली जगह मिला तो वहाँ एक्टिवेट करके चेक करेंगे बस रोल चालू है या नहीं। ओके सामने सब पहुँच गए और हम अभी गाड़ी में बैठ रहे हैं। कितना बजे आए थे सुबह? 100 तो दोस्तों अभी हम कल ही मुंबई से आए, एक्चुअली वहाँ का शूट वगैरह नहीं ले पाए हम लोग, तो कल ड्रोन लेके आए हम कैमरा गली से। कैमरा गली में आपको ड्रोन 45,000 के अराउंड मिलेगा, जो DJI स्पार्क का जो ड्रोन है हमारा वो 45,000 में आता है। और कैमरा गली में आप अगर जाओगे तो ऑलमोस्ट एक ही दुकान आपको सब बताएंगे किस दुकान में आपको स्पार्क मिलेगा, और वो एट द एंड ऑफ द कैमरा गली है। इतना मैं हिंट दे रहा हूँ, आपको बता नहीं सकता कि कौन सा दुकान है वो, क्योंकि उन्होंने हमको स्पॉन्सर नहीं किए तो बता नहीं सकते हम लोग। सो आपको अगर कोई भी कैमरा इक्विपमेंट कुछ भी चाहिए, आपको अगर आप यूट्यूबर हो आपको कोई भी कैमरा वगैरह कुछ चाहिए तो आप ज़रूर कैमरा गली को विज़िट करो, बहुत ही चीप रेट में आपको सारी एक्सेसरीज मिल जाएगी।